अभी कुछ देर पहले मैं डुग्गू और लालू को यहाँ पर रखकर गया था, लेकिन बाज इस कमरे में घुसकर कुछ सेकंड में उसने इन पर हमला कर दिया। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैं एक बर्ड सेटअप पर गया था जिनके पास इतने प्यारे बर्ड्स थे और उनको देखकर काफी अच्छा लगा और मेरा मन कर रहा था कि इन सारे बर्ड्स को ले जाऊं, पर ये मेरे नहीं है। अब इन सारे बर्ड्स को देखने के बाद हम सेटअप से घर आ गए। दोस्तों हमारे पास भी एक रेस्क्यू गिलहरी है जिसका नाम हमने डुग्गू रखा है। जब डुग्गू को हमने खेत में रेस्क्यू किया था तो काफी कमजोर था और उसकी सांस भी एक टाइम पर उखड़ने लगी थी, लेकिन राम भगवान की कृपा से अब डुग्गू हेल्दी और काफी बड़ा है। लेकिन आज डुग्गू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया। मैं डुग्गू को डेली पार्क में ले जाता हूँ। आज जब मैं डुग्गू के साथ पार्क में गया तो वहाँ पर काफी बच्चे आ गए थे और डुग्गू को देखकर चिल्लाने लगे और उन बच्चों की आवाज से डुग्गू डरकर घास में भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाके मेरे पास ही आ गया। लेकिन ये सारी एक्टिविटी ऊपर उड़ता हुआ बाज देख रहा था और जैसे डुग्गू मेरे कंधे पे आया, बाज इतनी तेजी से आया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन डुग्गू की फुर्ती की वजह से बाज उसको पकड़ नहीं पाया और मैं वहां से डुग्गू को लेकर घर आ गया और डुग्गू को मैंने बकेट में रख दिया जहां वो डेली खेलता था। मुझे क्या आता था कि मेरे घर के अंदर बाज घुस जाएगा। बाज ने कुछ ऐसा किया कि मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या हुआ डुग्गू लालू के साथ, पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें। जय श्री राम।